नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को आखिरी वनडे में 35 रन से हराकर 5 मैचों की वनडे सीरीज पर 4-1 से कब्जा किया। सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया ट्रॉफी के साथ हाउस द जोश स्टाइल में अपनी जीत का जश्न मनाया। वहीं न्यूजीलैंड को करारी हार के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। टीम के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल 6 फरवरी से शुरू हो रही T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। गप्टिल बैक इंजरी के चलते भारत के खिलाफ 5 मैच की सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी नहीं उतरे थे और उनकी जगह कोलिन मुनरो को टीम में शामिल किया गया था। गप्टिल की जगह जिमी निशाम को T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में जगह दी गई है। मेजबान ने डेरली मिचेल को टीम में शामिल किया है जो अपना डेब्यू करेंगे। कीवी कोच गैरी ने कहा कि गप्टिल फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगले सप्ताह से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होने वाले वनडे सीरीज से पहले पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। कोच ने कहा कि गप्टिल सफेद गेंद के खेल में टीम का बड़ा हिस्सा है। उनकी जगह लेने वाले निशाम ने वनडे में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था और हम ये वादा करते हैं कि ये सीरीज काफी रोमांचक होगी। बता दें कि 253 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 44.1 ओवर में 217 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही भारत ने सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली।